पहली बात यह है कि वो लोग सोचें जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ किया है। आईएमएफ तो बिल्कुल नहीं आएगा कि वो आपको रिलीफ दे, और आईएमएफ का अपना ना तो ये चार्टर है, ना उसका ये प्लान, ना वो ऐसा करता है, ना उसको किसी के दिवालिया होने या दिवालिया ना होने, ना उसको किसी के खुशहाल होने या बदहाल होने से कोई बात उसका ताल्लुक नहीं है। उसको तो अपनी शरायत मनवानी है और उसको पॉलिसी भी रहेगी जो है वो आपकी वजह से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज नहीं करेगा। उसका मतलब ये है कि ये एक सिस्टम का कस्टोडियन है आईएमएफ, जिसका नाम है कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा कस्टोडियन जो है वो जो है ये आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है। वो उन्होंने आपकी तरफ, आपकी गुर्बत की तरफ, आपके अफलास की तरफ, आपकी नादारी की तरफ, आपके लोगों की बेचारगी की तरफ, आपकी बढ़ती हुई आबादी की तरफ, आपकी बढ़ती हुई आबादी के मसाइल की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी, और उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। बात यह है कि सारी सूरत हाल तक में आपके अपने लोगों ने जो मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ हैसियतों में मौजूद हैं, मौजूद थे, मौजूद रहे हैं, उन्होंने इस हाल तक पहुंचाया है। और क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक बड़ी मेज बिछाएं और कहें कि भाई आओ आप मिलकर बैठो, आप उनसे, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनने चोरियां की और मुल्क को कंगाल किया, बहुत से लोग ऐसे हैं अपराध गिरोह और बहुत सी एंटिटीज ऐसी हैं कि जिनने मुल्क को इस हाल पहुंचाया है, क्या वो अपनी उन कारकर्दगी, उस कारकर्दगी से, अपनी कारगुजारियों से दस्तवार होने को तैयार हैं या नहीं है, क्या वो इस सारे अमल से जिसकी नतीजे में मुल्क इस हाल को पहुंचा है, क्या वो ये सब कुछ अपने आप इससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ये है बुनियादी सवाल। क्या पाकिस्तान की सियासी अशराफिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के दूसरे लोग, पाकिस्तान के अदालतें, पाकिस्तान, ये सारे सारे एक जगह पर बैठकर एक ऐसा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का प्रोग्राम बना सकते हैं जिसे इस मुल्क को आगे ले जाए? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी अपने अपने मफाद से दस्तबरदार होने को तैयार होगा, मुझे नहीं लगता है। और कोई भी शख्स जो है वो कैसे छोड़ देगा अपनी उन मराद को, अगर किसी के घर में महीने में 1 अरब रुपया आ रहा है तो वो ये सोचेगा ना यार 2 अरब आने चाहिए, 1 अरब क्या होता है, और अगर किसी के हाथ में कुछ और आ रहा है तो वैसे ही सोचेगा, ये नहीं सोचेगा कि भाई इस मुल्क की आबादी जो मेहनत करती है, जो कुछ काम करती है, उसको कुछ मिलना चाहिए, उसको रिलीफ तो मिलना चाहिए, उसको जीने का हक। तो लगारी साहब, इस सूरत हाल में ये निगरान हुकूमत कुछ कर सकती है आपके ख्याल में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब इनके हाथ में कोई चीज रह गई है। इनको क्या, किन शरायत पर, उन्होंने जो शरायत मानी थी, उन्होंने कौन सा ऐसा रास्ता अख्तियार किया था कि जनाब हम बैठकर तमाम लोगों को एक पेज पर लें और तमाम लोगों के साथ मिल बैठें और तमाम लोगों को कहें कि जनाब इनफ है, जनाब अब जो कुछ होगा हो गया है, और हम सब अपने अपने कारगुजारियों से, उस्तादियों से और मुल्क हाल तक पहुंचाने के अमल से दस्तबरदार होते हैं, और हम फिर चाहते हैं कि सारे मुल्क के लोग बैठकर इस मसले को हल करें। क्या हुआ था ये आपने देखा है, पिछले मैं अभी होकर आया हूँ ईरान से, और वही लगभग 44 साल से ईरान पाबंदियों का शिकार है जी। ईरान को आइसोलेट किया जा चुका है, ईरान के साथ बात करने को तैयार नहीं, अमेरिका के सफारतखाना अब भी नहीं है, अब जाकर सऊदी अरब ने उसके साथ आया है, उससे पहले ईरान को आइसोलेट करके रख दिया गया था। ईरान इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा ज़राई पैदावार कर रहा है, सबसे बड़ी सनअती पार कर रहा है, और इस वक्त सबसे बड़ा जो बाजार है, शॉपिंग मॉल है, वो अब दुबई वाला नहीं रहा है, उससे दुगना बड़ा शॉपिंग मॉल जो ईरान में आ गया है। वो अपने आप को, उन्होंने मैशत, और उनकी मैशत दुनिया की 18वीं बड़ी मैशत बन चुकी है, वो लग्जमबर्ग से आगे नहीं है, वो हॉलैंड से भी आगे चला गया है और कई और यूरोपीय मुल्कों से आगे चला गया, जिन्होंने दुनिया को कॉलोनी बनाकर रखा हुआ था, उन मुल्कों से भी अपनी मैशत में आगे चला गया है। तो इसकी वजह ये थी कि दो चीजें थी, एक तो विल थी लीडरशिप की, और एक इनकमी तजर्बे से गुजर चुके हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस तजर्बे से गुजरे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सारे के सारे मिलकर इस तजर्बे का भी कर लेते हैं कि भाई लोग इस तजर्बे से भी गुजरे। कब तक लोग खुदकुशियां करेंगे, कब तक लोग अपने बच्चों के लिए पुलिस को फोन करेंगे कि हेलो हमारे बच्चे भूखे हैं, या बच्चे फोन करके कहेंगे हेलो पुलिस वाले हमारे, हम लोग भूखे बैठे हैं, हमारे कुछ कर सकते हो, ये कब तक होगा? और कितने पुलिस वाले जो हैं घर पर खाने पहुंचाएंगे?
पाकिस्तान इस हाल तक पहुंच चुका है कि जहां पर हुक्मरान अशराफियों को रीथिंक करना पड़ेगा। और जो अब तक ठीक है, मुझे अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जिया और तबसरे में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।